गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो मैं आज लेकर आई हूँ बलूचिस्तान बोर्ड की फिज़िक्स 9th क्लास की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर से। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो फिर पहले हमारे पास हेडिंग जो आती है ये है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। सो फिज़िक्स एक ग्रीक वर्ड है जो फिज़ोक्स से निकला है, जिसका मीनिंग है नेचुरल थिंग्स। और फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स डिफाइन करता है मैटर को और एनर्जी, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है उसे कहते हैं फिज़िक्स। आर यू अंडरस्टैंड? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फिज़िक्स क्या है? जो अभी एक मैटर जो चीज़ ऑक्यूपाई करे स्पेस, वो और एनर्जी, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है उसे कहते हैं फिज़िक्स। फिर फिज़िक्स हमारे पास आता है आल्सो, जैसे कि हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है स्पेस एंड टाइम। फिज़िक्स इज फर्दर डिवाइडेड इन टू फर्दर ब्रांचेस टू फैसिलिट इट्स स्टडी। सो फिज़िक्स जो है फर्दर कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है। एक है क्लासिकल फिज़िक्स, फिर दूसरा है मॉडर्न फिज़िक्स। जो क्लासिकल फिज़िक्स है, जो 20th सेंचुरी से पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसे कहते हैं क्लासिकल फिज़िक्स। और मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ, पूरा नहीं समझा रही। जो जो इस हेडिंग्स में है मैं कंप्लीट वो समरी आपको समझा रही हूँ, ठीक है। फिर मॉडर्न फिज़िक्स हमारे पास क्या है 20th सेंचुरी के बाद, जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे लिखे हुए एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में, ये रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कार्स, सबमरीन्स, एरोप्लेन्स, रिफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव ओवन, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर, टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, मैग्नेटिक रिसोनेंस, इमेजिंग लेजर्स, सर्जरी, सोलर पैनल्स, मोबाइल्स आर मैनी एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स। इनको जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई इसे कहते हैं 20th सेंचुरी। फिर क्लासिकल फिज़िक्स की भी टाइप्स है। मैकेनिक्स जिसमें एनर्जी की जो मोशन किसी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो उसे कहते हैं मैकेनिक्स। जो हीट, जो नेचुरल हीट है उसे हीट कहते हैं। जैसे कि एक हीट ट्रांसफ़र हो किसी दूसरे मैटर में और वो इफ़ेक्ट हो उसे हीट कहते हैं। फिर ये है थर्मोडायनेमिक्स है, ये हमारे पास जो हीट की कन्वर्जन है तो उनकी एनर्जी हीट की उस फॉर्म को कहते हैं। ये प्रोसेस देर हमारे पास है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। फिर साउंड है, इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑडियोबल साउंड्स। जो फिजिकल इफेक्ट्स हैं ऑडियोबल साउंड के, हम उसे साउंड कहते हैं। ऑप्टिक्स, इट डील विद द नेचर ऑफ लाइट, इट्स प्रोडक्शंस, प्रोपेगेशंस एंड फेनोमेन्स रिलेटेड टू इट्स एज द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस, इंटरफ्रेंस, डिफ्रेशंस एंड पोलरेशंस सेक्टर द वर्क वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज कैमरा। ओके, जो मेरे पास माइक्रोस्कोप्स है, टेलीस्कोप्स है, कैमराज है, जो रिफ्रेश है, रिफ्लेक्शंस है, जिसमें नेचुरल लाइट हो उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इट डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस विच नेदर और रेस्ट और इन मोशन। जो ना मोशन में होती है और ना रेस्ट में होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिर एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स हमारे पास जो है जो एटम्स की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ब्रांचेज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फिर देन आते हैं दूसरे हेडिंग में। फिर मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी, इट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लिक ऑफ एटम। जो न्यूक्लिक ऑफ एटम है उसकी स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज और फिर जिसमें जो रिएक्शन हुई जाती है उसे न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो मटेरियल्स है, सॉलिड मटेरियल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड। इसका जो सेकेंड नेम है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। सेमी कंडक्ट
chapter physics. It revealed the steady designs and use of devices based on behavior of electrons in semiconductor. ये deal करता है devices में जिसकी behavior हो. फिर low temperature physics है. It deal with productions of extremely low temperature and study of properties. इसे drive होके measure होते हैं. ठीक है. फिर international SI unit. मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे एसआई यूनिट भी कहते हैं. यहाँ पे मैं आपको ये पूरा रीड नहीं करके बताऊंगी,